हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। तो वीडियो में बने रहें और देखते रहिए कि कैसे बनता है। लेंगे एक रिबॉन्डेड जो कि ये बनता है 3 इंची। कितना इंची का है? 3 इंची ना, ये 3 इंच है, मतलब 75 mm। 75 mm। और इसको निकालते हैं। ये ले लिया है 2 इंच का सॉफ्टी। मैं गम बोले तो फेविक्विक जो बोलते हैं वही है, उस ट्रायंगल में डाल दिए हैं। ये ईयर का द्वारा आता है, ईयर मशीन वहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे मार रहे हैं। स्टेयर फोन है ये, बड़ी बड़े के साथ में बैठा रहे हैं इसको। गम नहीं मारेंगे तो ये खुल जाएगा, तो हवा घुसने के बाद ये ओपन हो जाएगा, खुलेगा तो मजा नहीं आएगा। इसको बैठा देते हैं बराबर से। और इसका हाइट कितना हो गया अब? हाइट हो गया 5 इंच हो गया। इसके बाद 3+2 है इसके पास। अभी बहुत काम बाकी है, अभी बाद में आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो पूरा फिनिश होने के बाद। तो कस्टमर ऑर्डर दिया था वो हिसाब से बन रहा है। ये मशीन है, मशीन के आसानी से हम काट सकते हैं बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बराबर से एकदम लेवल में कट होता है। ये आप देख लीजिए, हम करते हैं काटते हैं, ये देख लीजिए, ये धार लगा रहे हैं, धार लगने के बाद अच्छा से कटता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। नीचे का फोम है रिबॉन्डर, वो बहुत हार्ड होता है, वो हार्ड की वजह से जो है जिसको बैक पेन प्रॉब्लम है उसको वो प्रॉब्लम नहीं आता है। हाइट बहुत तरह क्वालिटी का है, जिसको हार्ड पेन प्रॉब्लम नहीं है वो पॉकेट स्प्रिंग ले सकते हैं। मैं सर पॉकेट स्प्रिंग भी देगा, देखा लीजिए उधर पॉकेट स्प्रिंग वाइट हूँ। अभी ये बराबर से कट गया है, पूरा लेवल से कट गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा हमको एकदम बीडल जो है बीडी वो पूरा लेवल में दिखेगा, हमको टेंशन नहीं रहेगा। अब इसमें पोड़ा लगाना है फैब्रिक, डालने वाले हैं कोड़ा। एक कोड़ा डालने के बाद जो है उसको उल्टा करके फिर उस वो साइड में जो बटन होता है बैक साइड, उसमें कपड़ा लगाएंगे, जो कपड़ा सेलेक्ट करके गया है जो भी कलर वही कलर डालेंगे। अब इसको उल्टा करके उसके ऊपर जो फैब्रिक सेलेक्ट किया है कस्टमर वो फैब्रिक डालेंगे, आप देख सकते हैं। कपड़ा है ब्लैक कलर का गया था सेलेक्ट करके, अभी ज़्यादा साइज है, उसको साइज बराबर करके तो बराबर से काट करके उसको गाम के ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद मशीन के ऊपर डालेंगे, मशीन में सिलाई करके उसके बाद बहुत कम बाकी है, अभी देखते रहिएगा आगे। कपड़ा में भी गम लगा रहे हैं, देख रहे हैं कपड़ा ऐसे हवा में उड़ते रहेगा, वो मज़ा नहीं आएगा। कपड़ा बचना चाहिए पूरा, जिससे गम मार के उसको चिपका देंगे। अभी ये कपड़ा डाल दिए हैं गम पे, आप देखते हैं ये नहीं उठेगा यार, जब उठाएंगे नहीं उठेगा, ये पूरा चिपक गया है गम पे, अभी निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बाद जो है आप टेबल पर डालने जा रहे हैं, जहाँ मशीन रखा हुआ है सिलाई करने के लिए, आगे देखिए ज़्यादा साइज है, ज़्यादा हो गया तो बराबर से 1 इंच का ये है ना मैट्रेस है, ये लेवल में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हमको सिलाई में इजी हो, प्रॉब्लम ना आए, आसानी से हम सी सकते हैं। कोना काट देते हैं, जो हार्ड है ना ये सॉफ्ट है तो लेवल में नहीं आ रहा है, कोना काटने के बाद लेवल में आ जाएगा, फिनिशिंग अच्छा आता है। जो आपका पलंग है साइज है जो भी है उसमें बराबर बैठ जाएगा, देखा कि ये बहुत हार्ड है, दफ्तर बराबर से नापते बराबर से मेजरमेंट करके टाइट से थोड़ा सिलाई करने में प्रॉब्लम ना हो,
बराबर से फिनिशिंग आए, बैलेंसर अपना काट के बाहर निकाल देना है। बराबर में रखना है, जो मार के लगा रहा है वो हैंडल लगेगा, हैंडल डाल देंगे तो आपको आसानी होगा पकड़ने में, उठाने में, घिंचने में, बैठाने में, आराम से कर सकते हैं उसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसमें सिलाई शुरू करना है। पर मशीन जो इनके माध्यम से ना स्टिचिंग होगा, इसमें लगा दिया रिबन है, इसमें अंदर घुसा के लास्ट हो चुका है। इसको काट के ऐसे फोल्ड नहीं करना है, इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करना है जो इसका धागा ना निकले, उल्टा फोल्ड करके धागा सिलाई हो जाएगा अंदर में, इसको ऐसे निकाल के इसको बांधना है। ये खुल जाएगा तो पूरा खुल जाता है, ये गांठ दे देना है दो तीन बार, थोड़ा कोई खोल ना पाए। यदि ज़्यादा है तो उसको कट करेंगे, आपको बोलते हैं कोड़ा डाले थे तो उसके ऊपर बराबर से काट के इसको भी स्टिचिंग करना, सिलाई करना पड़ेगा। तो 4.5 इंच के तो काटे गए, अभी इसको सिलाई कर रहे हैं, सिलाई करने के बाद काट को डालना है, काट फिनिश करना है तो पूरा फिनिश हो जाएगा। हो गया फर्स्ट में भी हो गया, सेकंड में हो गया, अब थर्ड बाकी है। इसके ऊपर सॉफ्टी डालना है 2 इंच का, सॉफ्टी डाल के उसके ऊपर से कपड़ा डाल के फिर उसको 10 सिलाई करना है। बस आगे बने रहिए देखने के लिए। यही है, यही है, 60 है अभी जो काटे हैं। क्या साइज काटे हैं? उसी का साइज काटे हैं ना, 78 68। इसमें भी दांत तो बचना पड़ेगा, बैठा दिए हैं इसको उठा के एकदम मारेंगे, चिपका देंगे। अभी फैब्रिक है ये वाला बी कोल्ड, इसका नाम है बी कोल्ड, ये टॉप में यूज किया जाता है और नीचे उसमें डाले थे उनका नाम है स्मॉल कोल्ड, वो सिंगल फोम का है, ये डबल फोम का है। 60 70 का देंगे 2 इंच का, जो हमको आसानी से काट सकते हैं और सिलाई भी हो सकती है। ये लास्ट है, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये लास्ट है, बस होने वाला है ये।
क्या कीजिएगा, ये भी गम मार के चिपका देंगे, जैसे अभी ये नहीं मारेंगे तो ऐसा आएगा ये वाला उठेगा, उठेगा ना तो कोने में बहुत प्रॉब्लम होगा, शायद जल्दी आ जाएगा, शायद जो पहले प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, गम मार के चिपका देंगे, आप पैर भी मारिएगा कुछ भी मारिएगा तो वो एक जगह जमा नहीं हुआ फैब्रिक। दोनों में गम लगाते हैं इसलिए कितना मजबूत हो, एक में लगाने के बाद खुल जाता है, उसमें लगाना है कि फिनिश हो चुका है, एक कपड़ा डाल दिए हैं, इसको बराबर से काट के सिलाई करना है, बस पूरा फिनिश हो गया, लास्ट स्टेज का काम है। इनका नाम है हीरो टॉप, चार क्वालिटी का आता है, हीरो टॉप, पिल्लो टॉप, डबल टॉप और स्टैंडर्ड टॉप, अब जिस टाइप का देखना चाहते हैं उस टाइप का आप ग्रुप में सर्च करके देख सकते हैं। लास्ट हो गया, देख सकते हैं ये पूरा फिनिशिंग हो गया है, ये बटन हो गया, स्टाफ हो गया, एक ही सा डोज होगा ये वाला।